केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए, आपको बता दें, वर्ष 2024-25 में गन्ने के खरीद में पैसे बढ़ाए। आपको बता दें, जो कभी 315 रुपए क्विंटल गन्ना खरीदा जाता था, अब उसे 340 कर दिया गया कि आगामी 24-25 से इन्हें 25 रुपए बढ़कर मिलेंगे। वहीं पशु उद्यमिता मिशन के लिए भी सरकार ने कहा है कि जो किसान भाई लोग पशु पालना चाहते हैं, उन्हें 50% सब्सिडी, यानी 50 लाख तक का उन्हें सब्सिडी या फायदा पहुंचाया जाएगा। आइए इसी सिलसिले में जनपद मुरादाबाद में मेरे साथ कुछ किसान भाई लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा सरकार के इस फैसले से कितने खुश या ना खुश है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी रणधीर सिंह है। रणधीर सिंह जी, सरकार ने फैसला किया कि जो आपको 315 रुपए क्विंटल मूल्य मिलता था, वो आगामी 24-25 से वो 340 यानी 25 रुपए बढ़ के मिलेंगे क्विंटल पर, क्या मामला? देखिए, सरकार ये जो रेट बढ़ा रही है ना, अभी आपने सुना, आप अपने मुंह से ही कह रहे हैं कि अगले साल के लिए इसने बढ़ाया FRC रेट 24 और 25 के लिए बढ़ाया है। किसान तो लुट गया। अब केंद्र सरकार ने 25 रुपए अब बढ़ाए किस लिए? चुनावी सगुप्ता हम लोगों को ये दे रही है, और के राज्य सरकार कुल बढ़ा रही 20 रुपए 4 सालों में, और बढ़ाने के बाद में हमारा मजदूर बढ़ गया 10 रुपए, उसने बढ़ा लिए 10 रुपए, हमारा भाड़ा बढ़ गया, और 10 रुपए उसके साथ साथ जो किसान की मजदूरी है अगर उसको लगाए तो किसान आज भी माइनस में जा रहा है। ये 10 रुपए और 20 रुपए से कोई भी किसान को फायदा नहीं मिलने वाला है। नहीं, कहीं ना कहीं मैं बताऊं आपको, अप्रैल वित्तीय वर्ष से ये जो 25 रुपए जापा आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं सरकार लाभ देना चाह रही है। नहीं, सरकार अगर लाभ देना चाह रही है तो हम तो इस चीज को कह रहे हैं, सरकार से लगातार लाभ मिलेगा अगर ये बढ़ के मिले तो। देखो मेरी बात सुनो, जो अगर रेट ये बढ़ा रहे हैं, आगे को मिलेगा, आगे को सरकार की क्या पॉलिसी होगी, ये सरकार रहेगी या नहीं रहेगी एक अलग चीज होती है, परंतु ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये चुनावी सहूलता है किसानों के लिए। अगर इनको बढ़ाना था, जब राज्य सरकार ने 20 रुपए बढ़ाए तभी ये लोग बढ़ा देते, और तब इन्होंने क्या करा, इन्होंने पूरा सीजन खत्म होने के बाद में जनवरी में किसानों के रेट डिसाइड करे, और तब तक जब किसान 60% कितना अपना गिर चुका है, और गिरने का मतलब क्या है, दुनिया अपनी फसल को बेचती है परंतु किसान अपना गन्ना गिरता है, गिरने का मतलब ये है उसको पता नहीं इसका पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सीधे सीधे चुनावी सगुप्ता है सरकार। चलिए, अन्य अन्य किसान है, मैं इनसे अगला सवाल करूंगा। सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि पशु मिशन और उद्यमिता के लिए जो पशु को लेकर आप उद्योग करेंगे उससे 50% आपको सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि 50 लाख तक की सब्सिडी आपको मिलेगी, क्या मानते हैं? देखिए, इसमें छोटे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला, जैसा ये कह रहे हैं कि 50 लाख की, 50 लाख वाले तो किसान ही नहीं है, छोटे किसान है, ये तो वो आदमी काम कर सकता है जो क्या समझे 100-100 एकड़ वाले, 50-50 एकड़ वाले, वो किसान इस काम को कर सकते हैं। बड़े किसानों को तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ किसानों को तो फायदा पहुंचेगा। नहीं नहीं, छोटे किसानों को नहीं पहुंचेगा, ये बड़े वो किसानों का मामला हो गया, ये समझे, छोटे किसानों को नहीं होगा, बड़ों को तो पहुंचेगा जी, बड़ों को पहुंच सकता है, तो बड़े तो बड़े हो गए। हाँ हाँ, बड़े। मैं इनसे पूछता हूँ कि सरकार का जो फैसला है कि 315 रुपए जो क्विंटल आपको गन्ने का रेट मिलता था, वो अब 340 यानी कि 25 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, वो सन वित्तीय वर्ष 24 और 25 से लागू हो जाएगा, क्या मानते हैं इससे किसान को फायदा होगा? किसान को आने वाले समय में फायदा हो सकता है, मगर अभी कोई फायदा नहीं है। सीधा कहना है कि आने वाले समय में फायदा हो जाएगा। चलिए, हम इनसे बात करते हैं, क्या मानते हैं जो केंद्र सरकार की मंशा है पशु उद्यमिता पे आपको 50% सब्सिडी और ये 25 रुपए क्विंटल गन्ने पे बढ़ाना, किस तो नजरिए से देखते हैं आप? आने वाले, ये तो सब चुनावी मुद्दा है इनका, आने वाले समय में फायदा मिलेगा या ना मिलेगा, आने वाले तो आने वाला समय बताएगा हम किसान को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और तो कहीं ना कहीं आने वाले समय तो फायदा होगा, अब आने वाले समय में फायदा होगा तो देखा जाएगा, इससे तो ये चुनावी प्रकरण है इनका, कोई कोई इससे किसान को बढ़ाना था तो जी अगर इनको फायदा देना था तो इसी वर्ष देते, ये 23-24 का सीजन चला इसमें देना था, अब तो इन्होंने चुनावी के वजह से ये जो है ये इस तरीके का सगुपा छोड़ा है, इसका कोई वो नहीं है कि ये मिले ना मिले, महंगाई जबकि दर में दर और बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी, इनकी पेस्टिसाइड वगैरह ज्यादा, हर चीज बढ़ेगी। तो आने वाले समय में तो कहीं ना कहीं फायदा है, तो उतना ही बराबर मजदूरी बढ़ जाएगी, उतनी रेट और चीजों के बढ़ जाएंगे। जी बताइए, ये जो सरकार बढ़ा रही है इसका मतलब था FRC, FRC का मतलब है के लाभकारी मूल्य, लाभकारी मूल्य तभी तो लगेगा जब खेती हमारी लाभ में जाएगी। इन्होंने 24 और 25 के लिए इन्होंने रेट बढ़ाया है 25 रुपए, क्या आपको पता है कि मजदूरी कहाँ जाएगी अगले साल को? आपको पता है पेस्टिसाइड के क्या रेट होंगे? आपको पता है कि डीजल के क्या रेट होंगे? आपको पता है कि बिजली के क्या रेट करेंगे? आपको पता है कि जो अपनी यूरिया ये क्या रेट देंगे?
पता चला कि अगले साल को इन्होंने यूरिया भी जैसे सुनने में आ रहा है 45 करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो किसान की जो चीज है उसकी क्वांटिटी अगले साल से फायदा भी तो मिल रहा है। नहीं फायदा ये नहीं, आप नहीं समझ रहे महोदय, ये एफआरसी है। एफआरसी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एक नीति होती है, ये उसके अंदर होती है, बढ़ाया नहीं जाता, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, वो चाहे जो बढ़ाए, राज्य सरकार ने 20 रुपए बढ़ाए, और ये जो एफआरसी जो रेट बढ़ा ये पूरे देश के लिए बढ़ता है, हरियाणा पंजाब मंडी से पहले से ये रेट है। तो अब ये बढ़ा रही है, उसके साथ साथ आगे को जो हमको देगी जो भी, अभी उनका रेट डिसाइड नहीं हुआ, एफआरसी इन्होंने बढ़ाया है लाभकारी मूल्य, अगर इनको ये लगा कि पहले से लाभ में है तो हमें क्या बढ़ाएंगे ये, तो इनको अगर बढ़ाना था एफआरसी ना बढ़ा करके जो केंद्र ने जो राज्य ने इस बार 20 रुपए हमारे कुंटल पर बढ़ाए थे 20 पैसे किलो, अरे जो किसान की चीज है जो हम किलो में लेते हैं हम उसको कुंटलों में दे रहे हैं, हमारे रेट कुंटलों में क्यों बढ़ रहे हैं, अगर पैसों में बढ़ रहे हैं तो 20 पैसे 30 पैसे जो कि चलते ही नहीं इस देश में, 20 पैसे 25 पैसे 50 पैसे तो बंद हो गए ना, तो ये किसान का रेट क्या बढ़ा रहे हैं, किसान को केवल और केवल इस्तेमाल किया जा रहा है। किसान आज मांग रहा है अपने हक के लिए कि हमको MSP चाहिए, MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यार हम तो सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, हम लाभकारी तो इनसे मांग ही नहीं रहे, अगर आपको देना है तो हमें आप दे दीजिए, क्या हमें MSP दीजिए, उसकी गारंटी दीजिए, हम फसल बो रहे हैं हमें पता ही नहीं हमारे बच्चों को तो खाने भी मिलेगी नहीं मिलेगी, इससे बच्चों को कपड़े मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बच्चों की फीस जाएगी नहीं जाएगी, हम शादी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये सरकार सगुफ्ता छोड़ा देना किसानों के लिए, ये बहलाने फुसलाने में अब नहीं आने के, और किसान जो है देख रहा है केंद्र के मुंह को, देख रहा है जो हरियाणा पंजाब और दिल्ली में जो किसान हुआ बोर्डरों पे बैठा है, चुनावी सगुफ्ता ये हमारे लिए 100% ये किसान लोग थे जिनका सीधा कहना है, किसी का कहना है कि इस का फायदा बड़े किसानों को होगा, और कहीं किसी का कहना है कि बड़े रेट, चुनावी सगुफ्ता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।